हाजी ना, तो हमारे सामने कढ़ाई लगने लिए, कढ़ाइयां तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन कभी पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे बैठ के कढ़ाई खाई है? तो मैं मौजूद हूँ जी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे, राजस्थान का बखराना बॉर्डर हरुनाबाद के अलजद्दा होटल पे। और यहाँ पर अंदर तो सीन चल रहा है, सबसे पहले ऑयल आ चुका है हमारे पास, अभी ऑयल अच्छी तरह गर्म किया जाएगा, उसके बाद जो चीज इसमें डालते हैं आपको दिखाते जाते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है, उस्ताद तो ऑयल पा रहे हैं ना, उसे उस्ताद ही फड़िया जा रहा है। हाँ हाँ उस्ताद, बूटियां पौन लगे ने चिकनिया बेच। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है उस्ताद, क्या बात है उस्ताद, जो बोटियां पाई ना तो छरले उठे ने, उसे उस्ताद ही फड़िया गया, क्या बात है उस्ताद, आए हैवी हो गया उस्ताद, हैवी क्या यार। हाँ हाँ, लेग लेग का पीस होते थे नजर आ रहा है, क्या बात है, ऑयल में फ्राई होगा अभी, जबरदस्त किस्म का पाओ कढ़ाई है जी। पाओ क्या रेट है कढ़ाई का? 350 किलो, 1400 रुपए किलो रेट है जी। आए है क्या बात है उस्ताद, ये चमचा फेर रहे हैं ना, और मुर्गी के साथ चमचा मिक्स हो गया है, क्या बात है, मुर्गी तैयार हो रही है, उसके उस्ताद नहीं फड़िया जा रहे ना, उस्ताद की मुफ्ता फड़िया जा रही है, क्या बात है उस्ताद जी। हाँ सारे नाल टकरा देता जी, हाँ जी उस्ताद ने चमचा साइड से करता है जी एक बार, और उस्ताद ने बोटियां नाल मसाई। कितनी देर लगती है इसको तैयार होने में? 15 मिनट, ठीक है जी, 15 मिनट में तैयार हो जाती है जी, बड़ी जी क्विक कढ़ाई है, इतनी जल्दी कोई कढ़ाई तैयार होती नहीं उस्ताद जी, सिर्फ 15 मिनट कढ़ाई तैयार कर देते हैं। हाँ जी ना, तो इसमें टमाटर जाने लगे, आए हैं क्या बात है उस्ताद, चीजा पाई जा रहे हैं, कोई नहीं रोक पा रहे उस्ताद में, क्या बात है ना, महंगाई रोक पा रही है उस्ताद, चीजा पाई जा रहे हैं, पाई जा रहे हैं, क्या बात है उस्ताद, क्या उस्ताद ने हूँ चिकन के टमाटर भी पाते हैं, वाह जी मजा बहुत अच्छा गया उस्ताद, आए हैं जो उस्ताद ने चीजा पाई ना टमाटर के अंदर, जो खुशबू आई है उसे उस्ताद कर गया, क्या बात है उस्ताद। हाँ जी ना, सारे मसाला जहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया इसमें ना, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट पाया उसके अंदर, जो बड़ी कमाल की खुशबू आई है, लेसा जो के कढ़ाई की खुशबू, टमाटर का थोड़ा सा पेस्ट है, प्याज, अच्छा प्याज का पेस्ट है, प्याज टमाटर का पेस्ट है, ठीक है, प्याज टमाटर का पेस्ट है जी, मिक्स करके इसके अंदर डाला गया, पहले टमाटर साबुत डाले गए थे, अभी बाद में इसके अंदर प्याज का और टमाटर का पेस्ट डाला जा रहा है, क्या खुशबू आ रही है, जो खुशबू आ रही है ना, मैंने उसे उस्ताद नहीं फड़िया जा रहा है, क्या बात है ना उस्ताद की मोहब्बत फड़िया जा रही है, क्या बात है, थोड़ा सा पानी का शिशका इसके अंदर डाल दिया गया ताकि नरम हो जाए थोड़ा सा, ये भी इसके अंदर पानी डाला गया था, पानी डाल के इसको अच्छी तरह पकाया जा रहा है जी, और इसके बाद इसमें दही शही डाल के बड़ी जबरदस्त पानी थोड़ा डाला गया था ताकि चिकन थोड़ा नरम हो जाए, ठीक है, ठीक हो गया जी, ये दही का छिछका डाला जा रहा है इसमें, आया है क्या बात है, एंड पे दही का छिछका आया था, आपको पता कढ़ाई की खासियत होती है, कढ़ाई जब एंड में तैयार होती है ग्रेवी के लिए, एक दफा दही डाला जाता है और दही अपना पानी छोड़ देगा, उसके बाद फिर ये जबरदस्त ये कढ़ाई हमारे पास रेडी हो जाएगी, क्या बात है, ये भी कढ़ाई की खासियत होती है, हरी मिर्चें भी, और ये हरी मिर्च और दही शही इसमें डाल दिया गया, बड़ा जबरदस्त किस्म का, क्या खुशबू है आने में, जो खुशबू आ रही है ना, ना उसे अलजद्दा रेस्टोरेंट फड़िया जा रहा है, ना उसे उस्ताद दी कढ़ाइयां फड़िया जा रही है, पाओ इतना उस्ताद के शीशे फड़े जा रहे हैं, क्या बात है, नाल नाल उस्ताद दूजे भी मारे, क्या बात, उस्ताद ने डोंगा मेरे सामने रखता है ये दही का, क्या बात, शिशके ना उस्ताद दे, उस्ताद जो भी चीज बनाता शिशके ना बनाता, ये जी सुखा धनिया आ गया हमारे पास, ये जीरा आ गया, काली मिर्च आ गया है, भर भर के उस्ताद चीजा पाई जा रहा है, कोई भी नहीं रोक पा रहा उस्ताद, ना महंगाई रोक पा रही है, आए है दड़ा मिर्च भी आ गई, क्या बात है उस्ताद, चीजा पाई जा रहा है, पाई जा रहा है, वाह जी वाह, कढ़ाई रेडी हो चुकी है, बड़ी कमाल की चीज तैयार हुई, आए है क्या शशके है जी, ऊपर तक तरी आ चुकी है इसके, बड़ी कमाल की, और हरी मिर्च शिचे इसमें डाल के बड़ी जबरदस्त एक चीज तैयार हुई थी, उस्ताद ने जो चीजा पा रहे हैं ना, उससे उस्ताद नहीं फड़ाया जा रहा है, ये जी एंड में धनिया का छिछका जाएगा, आए हाय क्या बात है, एंड में उस्ताद ने मोहब्बत डाल दी है जी धनिया की, एंड में लोकेशन बता दूं, ये अलजद्दा रेस्टोरेंट, ये रास्ता भावनगर से आ रहा है, ये फोटाबाद से आ रहा है, यहाँ पर आप अलजद्दा रेस्टोरेंट आ सकते हैं जी, और यहाँ पर आकर खाना शाना एंजॉय कर सकते हैं, और अपने बजाय को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।